हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेवल टू। और मैं प्रतिमा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ दमन, और आज एक दिन में मैं दमन के मैक्सिमम स्पॉट्स कवर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और हम सीधे चलेंगे दमन की टूर पे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दमन के फूड ऑप्शंस, मस्ट विजिट प्लेसेस और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। दमन आने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। तो आज तो हम लोग यहाँ पर हमारी कार लेकर आए मुंबई से, तो उसके लिए हमने फाउंटेन होटल के आगे जो हाईवे जाता है गुजरात के लिए, वो पकड़कर हम लोग यहाँ आए। लेकिन अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो वापी यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो दमन से बस 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से यहाँ पर डायरेक्ट बस सर्विस भी अवेलेबल है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमने आहार फास्ट फूड में नाश्ता किया। यहाँ का खाना अमेजिंग था। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दमन गंगा रिवर, जो यहाँ की बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है, वो दमन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हिस्से का नाम है मोती दमन और दूसरे का नाम है नानी दमन। मोती का मतलब होता है बड़ा और नानी का मतलब होता है छोटा। लेकिन ऐसा नाम होने के बावजूद यहाँ का जो नानी दमन एरिया है वो मोती दमन से बड़ा एरिया है। लेकिन ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेसेस जो है वो मोती दमन में है, और इसीलिए अभी मैं आई हूँ मोती दमन में। और एक छोटे से गार्डन में मैं खड़ी हूँ। यहीं पर है बॉम जीसस चर्च और यहीं पर है एक बहुत बड़ा फोर्ट, जो अभी हम लोग देखने जाएंगे। चलिए। और आज इस टूर पे मैं आई हूँ समीप के साथ, जो कैमरा हैंडल कर रहा है और इस शूट करने में मेरी मदद कर रहा है। थैंक यू समीप। तो अभी मैं आई हूँ मोती दमन का फोर्ट देखने। आप मेरे बालों को देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी हवा बह रही है, और ये फोर्ट रियली अमेजिंग है। अगर आप दमन आते हैं तो आपको इस जगह पर आना ही चाहिए। और यहाँ ऊपर आना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अंदर से उन्होंने पूरा जो गार्डन एरिया है, या फिर आप कह सकते हैं पूरा फोर्ट एरिया, वो बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो फोटोग्राफर्स के लिए, या फिर जिन्हें सेल्फी खींचने की बहुत ज़्यादा आदत है, उनके लिए ये प्लेस मस्ट विजिट प्लेस है। तो हम लोग इस रास्ते से अंदर आए। आपको ये जो दिख रहा है ना, वो इस फोर्ट का एंट्रेंस गेट है। और ये बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज बना हुआ है यहाँ पर। दमन केंद्र शासित प्रदेश है। 1961 में पोर्तुगीज शासन से आज़ाद होने के बाद दीव और दमन भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन गए। आप यहां पर स्टे करने के लिए भी आ सकते हैं। दमन में बहुत सारे होटल्स अवेलेबल है। इसी के साथ अगर आप बेस्ट सीज़न में यहां पर आना चाहते हैं तो यहां का बेस्ट सीज़न है अक्टूबर महीने से लेकर मई महीने तक। आप सैटरडे संडे वीकेंड्स प्लान करके यहाँ पर दो दिन के लिए भी आ सकते हैं, या एक पूरा दिन निकाल कर भी आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आप बहुत सारे स्पॉट्स को विजिट कर पाएंगे। मोती दमन फोर्ट से बाहर आने के बाद है मोती दमन जेट्टी गार्डन, और ये एक छोटा सा गार्डन है, और यहाँ से आपको बहुत सारी बोट्स दिखेंगी। Thank you.
सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ नानी दमन में, यहाँ के समुद्र नारायण उद्यान में। इसके पहले मैं थी मोती दमन में, वहाँ के गार्डन में, जो मैं यहाँ से देख सकती हूँ। वहाँ से मैं यहाँ पर आ गई। और जब आप दमन आएंगे तो आपको इस गार्डन को ज़रूर विजिट करना चाहिए। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी जगह बनाई हुई है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, वो बहुत अमेजिंग है। यहाँ ऊपर आने के बाद समंदर का व्यू और भी ब्यूटीफुल दिख रहा है, और मुझे ये जगह बेहद पसंद आई। तो मैं आपको कहूँगी कि दमन की ये मस्ट विजिट प्लेस है। अभी टाइम हुआ है दोपहर के 2, और हम लोग आए हैं वीरेदा ढाबा में खाना खाने के लिए। ये यहाँ की बहुत ही फेमस प्लेस है, और अगर आप दमन आते हैं तो आपको यहाँ खाना खाने आना ही चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग एंजॉय करेंगे भांगड़ा। दोस्तों, ये है वीरेश ढाबा। यहाँ की बिल्डिंग देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितना भव्य होटल है। ये होटल मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब भी मैं दमन जाऊंगी तो मैं वीरेश ढाबा में ज़रूर जाऊंगी। और जैसे ही हम अंदर आ गए तो हमें ऐसे लगने लगा कि हम पंजाब तो नहीं आ गए। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट है। यहाँ आने के बाद हमें 10 मिनट तक वेट करना पड़ा, लेकिन उसके बाद हमें एक बहुत अच्छा सा टेबल इन्होंने दिया, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर आराम से खाना खाया। यहाँ हमने ऑर्डर की थी मक्के की रोटी और सरसों का साग, जो बहुत डिलीशियस था। और एक बात, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको लस्सी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। पेट भर खाना खाने के बाद हम निकल पड़े जयपुर बीच विजिट करने। जयपुर बीच यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ जाने से पहले आपको आपके कार के लिए पार्किंग ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पार्किंग के लिए हमें जगह ही नहीं मिल रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी कार्स पार्क हो चुकी है ऑलरेडी, तो पार्किंग ढूंढना एक टास्क है यहाँ पर। मुझे लगता है हम लोग बहुत परफेक्ट समय पे यहाँ पर आए, क्योंकि हमें सनसेट देखने मिला। अगर हम बीच जाते हैं तो हमें सनराइज़ या सनसेट देखने मिले, इसके जैसा आनंद नहीं होता। मैं आप सभी को कहूँगी, अगर आप दमन आते हैं तो जयपुर बीच आपको विजिट करना ही चाहिए। हो सके तो एनिमल राइड्स अवॉइड करें, या फिर एनिमल्स के ऊपर ज़्यादा बोझ मत डालना, उनको भी तकलीफ़ होती है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जयपुर बीच विजिट करके आई हूँ। ये यहाँ का बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और बहुत सारे लोग सिर्फ जयपुर बीच विजिट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो मैं बाहर आकर ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आपको शायद मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती। तो ये बीच मुझे बड़ा अच्छा लगा, वहाँ का सनसेट भी मुझे अच्छा लगा, और ये वीडियो अब मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। मेरे हिसाब से ये जगह आप एक दिन में आराम से घूम सकते हैं, अच्छा खाना भी खा सकते हैं, और अगर आपके पास एक ही दिन है तो वीकेंड प्लान करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगी आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको मिलूँगी अगले संडे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।